ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड में मैंने बोला था कि दोनों ट्रू रहेगा तभी वो ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में उसका आउटपुट फॉल्स होगा एंड ऑपरेटर में। ठीक है, और में मैंने बोला था अगर एक भी ट्रू रहे, दोनों ट्रू है तो ट्रू दिया, एक भी ट्रू रहे तो वो ट्रू देगा, और एक भी ट्रू रहे तो ट्रू देगा, और सिर्फ एक ही केस में फॉल्स देगा जब दोनों फॉल्स हो जाए, दोनों इनपुट मेरा फॉल्स हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में बात की थी, इज और इज नॉट। ठीक है, और आइडेंटिटी ऑपरेटर मैंने बोला था आपको कि ये एड्रेस कंपैरिजन में काम आता है, राइट? एड्रेस कंपैरिजन में काम आता है। जब मैंने लिखा था यहाँ पे ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, ए इज बी ट्रू, ओके, दोनों का एड्रेस सेम है, बट जब मैंने लिस्ट को कंपेयर किया था उसका आउटपुट फॉल्स फॉल्स आया था, एल वन इज L2। तो यहाँ पे एड्रेस कंपैरिजन के काम में इज कीवर्ड का यूज हम लोग एड्रेस कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं, राइट? और कंटेंट कंपैरिजन के लिए हम लोग इक्वल टू यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम L1 इक्वल टू L2 कर दें, क्लस्टर बंद है शायद, क्लस्टर बंद है, नहीं स्टार्ट है, L1 इज इक्वल टू L2 कर दें, ओके, ये सेल नहीं चलाया अभी, इसको चलाया मैंने इसलिए एरर दिया था, और ये ट्रू दिया, ट्रू आउटपुट दिया, ये कंटेंट को कंपेयर कर रहा है, 353 353, ये कंटेंट को कंपेयर कर रहा है, इसलिए इसलिए L1 इज इक्वल टू L2 जो है ट्रू आया। लेकिन इज जो है ये एड्रेस को कंपेयर कर रहा है, एड्रेस कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है, इसलिए L1 इज L2 फॉल्स है, क्योंकि इन दोनों लिस्ट का एड्रेस अलग है। मैंने बताया था दोनों लिस्ट का एड्रेस अलग होगा, राइट? लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने बताया था ये चीज, दो लिस्ट अगर है सेम वैल्यू है तो उसका एड्रेस अलग होगा, तो इसलिए ये फॉल्स आया। और ये सिंगल इक्वल टू का यूज हम लोग वैल्यू असाइनमेंट के लिए करते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये L1 के अंदर मैंने 353 को असाइन किया, तो तीन चीजें हैं, सिंगल इक्वल टू फॉर वैल्यू असाइनमेंट, इज फॉर एड्रेस कंपैरिजन, इक्वल टू फॉर कंटेंट कंपैरिजन, राइट? ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीज आप लोग याद रखना जो इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर आपको बताया था, और मेंबरशिप ऑपरेटर में मैंने इन और नॉट इन के बारे में बताया था, जो कि चेक करेगा कि जो हम सर्च करना चाह रहे हैं क्या वो किसी स्ट्रिंग के अंदर है या फिर किसी कलेक्शन के अंदर है। जैसे कि मैंने अबाउट मी करके एक वेरिएबल लिया था, उसके अंदर ये स्ट्रिंग मैंने स्टोर किया था, और स्ट्रिंग जब मैंने स्टोर किया तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जैसे अरुण जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस सेल को मैं चलाता हूँ, एक चीज आप लोग याद रखना, क्लस्टर जब बंद हो जाता है तो मेमोरी में कुछ नहीं रहता। अब जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये देखो ये एरर देगा, क्या दे रहा है, नेम अबाउट मी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि क्लस्टर बंद था उतने दिनों से, राइट? क्लस्टर बंद हो गया था, बंद होने के बाद अभी हमने स्टार्ट किया है, तो अभी हमने ये सेल चलाया नहीं है, कमांड नंबर 18 चलाया नहीं है, जिसके कारण ये अभी मेमोरी में आया नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको चला दूंगा ये वेरिएबल जो है मेमोरी में चला जाएगा, ये वेरिएबल अबाउट मी जो वेरिएबल है, जो मेरा क्लस्टर है ट्रेनिंग क्लस्टर, उसके मेमोरी में चला जाएगा तो उसमें फिर से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये अरुण इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, नहीं नहीं करता। ठीक है, अगर मैं इसमें शर्मा डाल दूं, ठीक है, तो क्या ये एग्जिस्ट करता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये एग्जिस्ट करता है, हाँ ये एग्जिस्ट करता है, राइट? ये इस स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसलिए ये ट्रू दिया। और नॉट इन जस्टिस का अपोजिट होगा, अगर अगर ये चीज होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये चीज मैंने आपको बताया था, ये सब चीजें एक्सप्लेन करके लास्ट क्लास में। ठीक
ठीक है, उसी तरीके से एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मैंने लिया था एक लिस्ट के अंदर, और इसमें भी मैंने इन ऑपरेटर को यूज किया था, सॉरी, इसमें भी मैंने इन ऑपरेटर को यूज किया था, जैसे कि मैंने सुजाता को सर्च किया कि ये लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है, तो ये जो है ट्रू ट्रू रिजल्ट दिया, राइट। उसी तरीके से अरुण को जब मैंने सर्च किया तो ये फॉल्स रिजल्ट किया, क्योंकि ये इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब जो है हमने बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात किया था, और बिटवाइज ऑपरेटर जो है इसको एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, और मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया इसको, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने एक ऑपरेटर के बारे में बात किया था जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसे पूछ पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि अगर जैसे दो दो नंबर को मुझे कंपेयर करने के लिए एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन के अंदर, ठीक है, तो मैंने दो वैल्यूज वैल्यूज लिया, एक के अंदर 10 डाला, बी के अंदर 20 डाला, और जब मैंने मैंने इफ एल्स लगा के, ये इफ एल्स के बारे में मैं बताऊंगा जिसको नहीं पता है, इफ एल्स लॉजिक लगाकर मैं दो नंबर को कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए एल्स प्रिंट बी, ठीक है, ये चलेगा कोड, राइट, ये चला, बी बड़ा है, जो बड़ा नंबर है उसके लिए मैंने कोड लिखा था कि बड़ा नंबर कौन सा है वो बताओ, तो इसने 20 रिजल्ट दिया। उसी कोड को अगर मैं सिंगल लाइन में लिखना चाहूँ तो ये इस तरीके से हम सिंगल लाइन में इस चार लाइन को इस सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मैंने जनरल एक सिंटेक्स बताया था, और वो जनरल सिंटेक्स ये था कि ये जनरल सिंटेक्स ये था, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम इफ कंडीशन को लिखेंगे, इफ कंडीशन को लिखने के बाद अगर वो इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका रिजल्ट जो है फर्स्ट वैल्यू होगा, और अगर वो ट्रू नहीं हुआ तो उसका जो आउटपुट आएगा वो सेकेंड वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। ये भी इफ एल्स है, एक तरीके से देख सकते हो आप, इफ और एल्स, ठीक है। ये कोड था, इस कोड को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है, ये ऊपर वाला ही कोड है जो ये कोड हमने लिखा है, ये जो कोड मैंने ऊपर में लिखा है ये यही कोड है, बस दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। मैंने दो वैल्यू को असाइन किया, मैंने बताया था इस तरीके से भी वैल्यू का असाइनमेंट कर सकते हैं, ए कॉमा बी इज इक्वल टू 10,20, इसका मतलब है कि ए में 10 असाइन होगा और बी में 20 असाइन होगा, इसको इस तरीके से दो लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पाइथन के अंदर इस तरीके से भी वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने मैंने ये लिखा था, ये लाइन लिखी थी, और सबसे पहले मैंने एक इफ कंडीशन लिखा था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, अगर बड़ा है तो प्रिंट करो ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, इसका मतलब, और अगर बड़ा नहीं है तो प्रिंट करो बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, इसका मतलब क्या कि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये चीज प्रिंट होगा, मतलब ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, और इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सेकेंड वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो ये चीज प्रिंट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो इल्स का जो पार्ट है वो प्रिंट होगा, ठीक है। इस कोड को मैंने चला के दिखाया था, ठीक है, देखो बी इज ग्रेटर देन ए रिजल्ट आया, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, बी में क्या साइन था, बी में 20 साइन है, राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने डेटा ब्रिक्स के अंदर इनपुट कैसे लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया था, और इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, ऑपरेटर जो है इतने सारे हो गए, मल्टीपल ऑपरेटर्स हो गए, राइट, मल्टीपल ऑपरेटर्स हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, बहुत सारे ऑपरेटर हो गए, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गए, जो भी मैंने बताया आप लोगों को,
अब उसमें से अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, जैसे मैथ्स में बॉडमास होता था, सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, फिर ऑफ चलेगा, फिर डिवीजन चलेगा, ठीक है, उसी तरीके से ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है, ऑपरेटर का सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में वो कैलकुलेशन होगा या फिर किस सीक्वेंस में वो कोड रन करेगा, ठीक है, तो देख लेते हैं। एम ऑडिबल? हेलो, यार ओके। तो ऑपरेटर का सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस में वो ऑपरेटर रन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा ये पेरेंथेसिस चलेगा, इसको हम लोग पेरेंथेसिस बोलेंगे। बाद ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बिटवाइज ऑपरेटर चलेगा, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये रिमाइंडर वाला जो रिमाइंडर कैलकुलेट देता है, और ये फ्लो डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। इन सब का आज मतलब पता है, लिख दूं मैं, लिख दूं। ये मल्टीप्लिकेशन चलेगा, उसके बाद डिवीजन चलेगा, उसके बाद मॉडुलस इसको बोलते हैं, जो परसेंट साइन है उसको, जो रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता है, और उसके बाद जो है वो है फ्लो डिवीजन। उसके बाद अपना प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके। और ये बिटवाइज ऑपरेटर में ही मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं सीक्वेंस चूंकि एक लिख रहा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिट्स के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इन सब चीजों का यूज करते हैं, जो कि उतना यूजफुल नहीं है। उसके बाद ये बिटवाइज एंड है, ये बिटवाइज एंड, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी बिट्स के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला सिंबल, इसको बिटवाइज एक्सओआर कहते हैं। ये सब क्या करेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, बिटवाइज एक्सओआर। फिर ये पाइप, जिसको हम लोग बिटवाइज और बोलते हैं, सब बिटवाइज ऑपरेशन है जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बिटवाइज और, ठीक है। एंड और ये लॉजिकल और हो गया, ये एंड और जो ऊपर में मैं दिखा रहा था, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, इसी तरीके से चार केस के लिए दिखाया था। और ट्रू और ट्रू इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, जहां भी ट्रू रहेगा ये ट्रू देगा, अगर एक भी अगर दोनों फॉल्स होगा सिर्फ तभी केस में वो फॉल्स देगा, ठीक है। नॉट, लॉजिकल नॉट कह सकते हैं इसको, ठीक है। दो ऑपरेटर हमारे बचे, आइडेंटिटी ऑपरेटर और एक मेंबरशिप ऑपरेटर। तो सबसे पहले मेंबरशिप ऑपरेटर चलेगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि एड्रेस को कंपेयर करता है, सॉरी, जो कि यस जो कि एड्रेस को कंपेयर करता है, और
इसका नाम मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, जो कि एड्रेस को कंपेयर करता है, एड्रेस को आइडेंटिफाई करके उनको कंपेयर करता है, और इन नॉट इन, ठीक है, जो कि जिसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, जो कि ये बताता है कोई सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उस सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर से पहले इक्वल टू, प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं किया है मैंने, ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे करेंगे आज नहीं तो कल इसके बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसको जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर, और इससे पहले अब क्या बच गया, अब बचा हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, जैसे कि कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन सिंबल, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन, लेस देन, या फिर लेस देन इक्वल टू, या फिर इक्वल टू से भी कंपैरिजन होता है वैल्यूज़ का, जैसे कि अभी मैंने दो लिस्ट को कंपेयर करके बताया, और अगर नॉट इक्वल टू देना है तो नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये कुछ ये ऑपरेटर का प्रिसिडेंस है किस सीक्वेंस में कोई भी कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, और वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से, मान लो 6 प्लस 5 है, ठीक है, 6 प्लस 5 है और डिवीजन है 4, ठीक है, और इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर डालता हूँ, तो रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए, 6 प्लस 16, इसको 10 कर देते हैं, अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, एक मिनट इसको वेरिएबल में लेके करते हैं, इज इक्वल टू 6, बीज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 4, ओके ये अरुण द डिवीजन यू गिव लाइक अ बैकवर्ड स्लैश राइट ओके यस आई थिंक या सॉरी थैंक यू दिव्या या सो यू कैन सी हियर यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है जैसे मैंने बताया था ऑपरेटर प्रिसिडेंस का जो सबसे पहला एग्जीक्यूशन होगा वो ये पैरेंथेसिस होगा तो ये पैरेंथेसिस के अंदर कैलकुलेशन हुआ सबसे पहले ये 16 हुआ
और 16 के बाद ये डिवीजन हुआ सी से और ये 4 रिजल्ट दिया, राइट। अभी सबसे पहले ब्रैकेट कैलकुलेट हुआ है, उसके बाद डिवीजन डिवीजन ऑपरेट हुआ है, राइट। तो क्योंकि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले ब्रैकेट आता है और उसके बाद मेरा ये डिवीजन आता है, राइट। ये डिवीजन जो है, ये डिवीजन ऑपरेटर जो है यहाँ पे जो है, ये उसके बाद आता है, इसलिए इसलिए ये इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है, ये बहुत इजीली आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑपरेटर एग्जीक्यूट करने का कुछ सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूशन हुआ। अब जो है हम बात कर रहे थे कि हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हाउ टू टेक इनपुट इन पाइथन, पाइथन के अंदर हम इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर एक बार मैं अपना वो खोलता हूँ, एनाकोंडा खोलता हूँ। जिन्होंने एनाकोंडा नहीं इंस्टॉल किया, उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया था एनाकोंडा इंस्टॉलेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो आप लोग वो देख लेना जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एनाकोंडा खोला है और इसमें से मैं न्यू नोटबुक खोलता हूँ एक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, ये मैंने बताया था, जैसे कि प्रिंट में कर रहा हूँ 5, ये रन किया, राइट, ये रन किया। अब जो है ये 5 को मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 5 को मैं इस इंटरफेस से इनपुट देना चाहता हूँ। तो मैं कैसे दूंगा, इज इक्वल टू इनपुट, ओके, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर, ओके। तो मैं इस 5 को कंसोल से रीड करना चाहता हूँ, मैं इनपुट देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने 5 इनपुट दिया, ओके। अब मैं प्रिंट ए करता हूँ, तो ये देखो 5 प्रिंट हुआ। तो पाइथन के अंदर अगर हमको कीबोर्ड से इनपुट देना है, अगर हमको इस कंसोल से इनपुट देना है, तो ये इनपुट मेथड का हम लोग यूज करते हैं, इस इनपुट मेथड का यूज करते हैं। अगर हम ये इनपुट मेथड नहीं देंगे, अगर हम ये इनपुट मेथड नहीं देंगे, जैसे कि अगर कोई सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो वहाँ पे सीन यूज करते हैं, राइट, सीन का यूज करते हैं हम लोग इनपुट लेने के लिए। और पाइथन के अंदर हम लोग ये इनपुट इनपुट फंक्शन जो है इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। बस इनपुट लिखना है हमें और जो भी मैसेज डिस्प्ले कराना है उस मैसेज को लिख देना है, ये वेरिएबल जो है उस इनपुट को स्टोर कर लेगा, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ, इनपुट, इंटर द नेम, ठीक है। रुको एक मिनट, तो मैंने बताया आपको कि कोई भी वैल्यू लेना है तो बस जो चीज़ जो मुझे प्रिंट करनी है वो लिखना है, जो स्ट्रिंग मुझे प्रिंट करनी है वो लिखना है और इनपुट इनपुट फंक्शन के साथ पास करना है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने नंबर इनपुट लिया, इनपुट हमने क्या लिया यहाँ पे, 5 लिया, राइट। इसका डेटा टाइप क्या होगा, ये कोई बताएगा इसका डेटा टाइप क्या होगा? ये रन नहीं कर रहा, एक बार कर्नल रिस्टार्ट करता हूँ मैं। ये डेटा टाइप टेक्स्ट होगा यस, अरुण। राइट राइट राइट, ओके। अभी कर्नल रिस्टार्ट किया तो जो वैल्यू हमने पास किया था वो भी खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए एरर है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है डेटा टाइप, राइट, ये डेटा टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने तो एक इंटीजर पास किया था, मैंने तो एक नंबर पास किया था, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कुछ और लेते हैं, जैसे इंटर माई इंटर द नेम, जैसे मैं नेम पास करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं जब मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है, और जब मैं प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू को, तो ये मेरा नाम यहाँ भी प्रिंट करता है, राइट, ठीक है। ये मेरा नाम मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, और जब मैं इसका टाइप देखता हूँ तो इसका भी टाइप जो है स्ट्रिंग है, राइट, इसका भी टाइप स्ट्रिंग है। अगर इंटर
फ्लोट वैल्यू मैं देता हूँ, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ 5.6, और इसको मैं चलाता हूँ, और इसको मैं टाइप अगर देखता हूँ, ठीक है, इसका मैं टाइप देखता हूँ, तो ये भी जो है स्ट्रिंग है। मतलब पाइथन के अंदर जब हम इनपुट लेंगे तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट होगा, ठीक है, वो हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो उस केस का क्या, जब हमें, जब हम एक नंबर डालें तो वो एज इंटीजर आए। अगर मान लो कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, राइट, अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, इंटर नंबर, इंटर द नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और तो मैं चलाता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ 5, ठीक है, और एक मैं इनपुट लेता हूँ, और मैं यहाँ देता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर, तो ये हो गया सी इज इक्वल टू, देखो मैंने दोनों को ऐड किया, ए में मैंने एक नंबर लिया ए वेरिएबल के अंदर, और ये 5 आया, और बी वेरिएबल के अंदर मैंने एक इनपुट लिया जिसका वैल्यू मैंने 7 दिया, ठीक है, और जब मैंने दोनों नंबर को ऐड किया, दोनों नंबर को ऐड किया तो उसका आउटपुट 57 आया। बट आइडियली दोनों चूंकि इंटीजर है 7 और 5, तो इसका आउटपुट 57 नहीं आना चाहिए था, इसका आउटपुट 12 आना चाहिए था, राइट। हाँ, तो बट लाइक इट हैज टेकन लाइक स्ट्रिंग्स, राइट? यस यस इट हैज टेकन द स्ट्रिंग्स। ओह, सो बट अरुण, लाइक व्हाट इफ यू वांट टू गेट द इनपुट लाइक इंट वैल्यूज, वी नीड टू कन्वर्ट इट. यस यस दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सो हियर अगेन दैट टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट कम्स, जो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत पहले, कि हम लोग यस यहाँ पे यस टाइप कास्ट करेंगे। अब देखो ये तो बाय डिफॉल्ट इनपुट एज स्ट्रिंग ले रहा है, राइट, इतना पोर्शन बाय डिफॉल्ट इनपुट जो है एज स्ट्रिंग ले रहा है, राइट, इसको हम टाइप कास्ट करेंगे, और टाइप कास्ट करने का सिंपल सा तरीका यही है कि इसको बस आगे इंट पास कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब हम कुछ भी इनपुट दिया, हमने कुछ भी इनपुट दिया, और अगर हमने इसको प्रिंट किया तो देखो क्या आता है, 7 आया, और जब मैंने टाइप चेक करने की कोशिश की तो देखो टाइप जो है इंट आया, राइट, टाइप चेंज हो गया, अर्लियर इट वाज कमिंग एज स्ट्रिंग, राइट। यस तो इस तरीके से हम इसको टाइप कास्ट करेंगे, हमेशा हमेशा इनपुट जो है हम पाइथन में स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है, जब हम इनपुट लेंगे तो वो स्ट्रिंग होगा, और हमको जिस भी डेटा टाइप में चाहिए हमको उस डेटा टाइप में इसको टाइप कास्ट करना होगा, ठीक है, हमको उस डेटा टाइप में इसको टाइप कास्ट करना होगा। अब मुझे दो नंबर को ऐड करना है, मैं यही कोड जो है यहाँ पे रिपीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, ये टाइप कास्ट हो जाएगा, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ 7, और उसी तरीके से मैं ये सेकेंड वैल्यू फिर से लेता हूँ, सेकेंड सेकेंड लाइन ऑफ कोड जहाँ हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, ये लिया, और सेकेंड वैल्यू में मैंने मान लो 8 लिखा, तो जब मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखूँ और प्रिंट सी करूँ तो ये जो है 15 प्रिंट किया, राइट। तो इस तरीके से हम इनपुट लेंगे पाइथन के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, हमेशा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में ही इनपुट लेंगे। पर जब हम डाटा ब्रिक्स नोटबुक के ऊपर आते हैं, जब हम डेटा ब्रिक्स नोटबुक के ऊपर आते हैं और ये कोड को रन करते हैं, जब हम डेटा ब्रिक्स नोटबुक के ऊपर आते हैं, ये डेटा ब्रिक्स का नोटबुक है, और इस कोड में मैं इस तरीके से अगर इनपुट लेने की कोशिश करूं तो ये एरर दे देता है, ओके ये एरर दे देता है, यहाँ क्या लिखता है, रॉ इनपुट वाज कॉल्ड बट दिस फ्रंट एंड डजंट सपोर्ट इनपुट रिक्वेस्ट, ये जो डाटा ब्रिक्स का नोटबुक है ये इस तरीके से इनपुट नहीं लेता है, ये सिर्फ इसी डाटा ब्रिक्स नोटबुक के लिए स्पेसिफिक है, ये आप लोग याद रखना। बाकी जो ये तरीका है जुपिटर नोटबुक में जो मैंने दिखाया, ये तरीका हर जगह चलेगा, पाइचाम नोटबुक में चलेगा, जुपिटर में चलेगा, स्पाइडर में चलेगा, हर जगह यही तरीका चलेगा, ठीक है। तो अगर
ये कोड नहीं चलेगा, या फिर ये इंट हटा दूं मैं, ये भी नहीं चलेगा। ओके, ये तरीका है नहीं। इस इनपुट मेथड से हम लोग इस डाटाब्रिक्स नोटबुक के ऊपर हम लोग इनपुट नहीं लेते हैं, इस इनपुट मेथड का यूज करके। यहाँ पे इनपुट लेने का दूसरा तरीका है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोड अभी मत देखो आप लोग, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो इस डेटाब्रिक्स नोटबुक के ऊपर अगर हमें इनपुट लेना है, तो हमारे पास कुछ डीबी यूटिल्स कमांड है, और मैं लिखता हूँ उस कमांड को, डीबी यूटिल्स डॉट विजेट्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डीबी यूटिल्स डॉट विजेट्स डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं, जैसे मुझे नेम लेना है इनपुट, तो मैं नेम नेम यहाँ दूंगा और कॉमा देके कॉलन दे देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक विजेट क्रिएट हुआ ऊपर में, आपको दिख रहा है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, जहाँ पे क्लस्टर है उसके जस्ट नीचे दिख रहा है। यस, यस ओके। तो ये नेम एक वेरिएबल बन गया, जिसके अंदर, जिस नेम से हम लोगों ने यहाँ पे एक विजेट क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ वैल्यू पास करता हूँ, इनपुट ले रहा हूँ इस डेटाबेस नोटबुक के ऊपर, जैसे कि मैं अपना नाम पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब नाम को मुझे रीड करना है इस डेटाबेस नोटबुक के ऊपर, ठीक है, इस नाम को मुझे रीड करना है यहाँ पे। मैंने इसके इसके अंदर जो भी वैल्यू पास की, इसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू पास की, उस वैल्यू को मैंने डीबी यूटिल्स विजिट्स डॉट गेट नाम से, गेट जो ये डीबी यूटिल्स कमांड है, और ये जो विजिट का नाम था, इस विजिट का नाम क्या था, नेम मैंने रखा था यहाँ पे, जो मैंने लिखा था नेम था। तो इस विजिट के अंदर, इस नेम विजिट के अंदर जो भी वैल्यू पास है, अगर उसको लेना है, तो हमें डीबी यूटिल्स विजिट्स डॉट गेट कमांड का यूज करना पड़ेगा, और इसके अंदर वो विजेट का नाम पास करना पड़ेगा, और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर किया और फिर मैंने इसको प्रिंट कर लिया, राइट। एक एक डाउट था अरुण, हेलो। यस यस ये आपने डीबी यूटिल्स टेक्स्ट जो किया उसके बाद नेम डाल के फिर एम्प्टी कोलन क्यों रखे वो? हाँ, एम्प्टी कॉलन मैंने इसलिए रखा, जैसे कि आपको रोशन सुधीर है क्या, कौन है आप? सॉरी, मैं, विनीत विनीत हाँ सॉरी विनीत, मैं साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, सॉरी, ठीक ओके है। अभी मैं एक बार इसको हटाता हूँ, ठीक है, मैंने इस विजिट को हटाया, मैंने इस विजिट को हटा दिया है अभी ऊपर में जो था। अब मैं इसको चलाता हूँ, इस कमांड को फिर से, तुम्हारा नाम डाल के देखो, ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा नाम आ गया, राइट। अच्छा ओके okay. तो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है इसको नल रखा था, ताकि मैं खुद से, इनपुट स्टोर करने के लिए मतलब एक प्रकार यस, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को स्टोर करने के लिए। अब देखो, अगर मैं इसको लूँ यहाँ पे, इसको मैं रीड करूँ, उसकी उसके अंदर मेरी क्या वैल्यू पास है, तो यहाँ पे विनीत प्रिंट होगा, राइट। ओके ये वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट वाली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर इसको मैं चेंज करके वेंकटेश कर दूँ, ठीक है, और फिर से मैं ये गेट वाला कमांड चलाऊँ, डू वॉन्ट टू कैंसिल, यस, और इसको मैं रीड करूँ, ये वेंकटेश प्रिंट होगा, ठीक है। ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हाँ ये हाँ डिफॉल्ट बिल्कुल वैल्यू क्रिएट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके अरुण, आई मीन इज इट मैंडेटरी टू कीप दैट लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग्स? आई मीन दिस वन, या यस, इफ यू विल नॉट गिव इट विल थ्रो एरर, ओके या फाइन दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू, ओके दैट पार्ट इज मैंडेटरी एक्चुअली। Otherwise, what ओके is the use of this widget? This is called widget actually. Okay. So this is the way we take input in Databricks notebook.
और इसमें और भी बहुत तरीके हैं, ठीक है, इसको मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा जब जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए, अभी बस मैं इनपुट लेना सिखा दे रहा हूँ कि इस डेटाबेस नोटबुक के अंदर इनपुट कैसे लेना है हमें। ओके, अभी यहाँ मैं कुछ पास करके एक बार नोट्स की तरह छोड़ देता हूँ, आप लोग कोड देखो तो समझो क्या है। ठीक है, मैं भी छोड़ दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैंने एक चीज सिखाई है आपको कि डेटा ब्रिक्स नोटबुक के ऊपर इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पाइथन में ही आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लोग फ्लो कंट्रोल को देखते हैं। फ्लो कंट्रोल, अगर कोई भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेयर होगा तो वो इस चीज़ से अवेयर होगा जरूर। तो फ्लो कंट्रोल के अंदर जो तीन चीज़ें आती हैं कंट्रोल फ्लो के अंदर, वो ये हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो दूसरी चीज़ होती है वो ट्रांसफर स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, और जो सबसे पहला जो है ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, ये बहुत कॉमन है, तो इससे बहुत लोग अवेयर होंगे। इफ एलिफ और इफ एलिफ और एल्स। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इटरेटिव स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम अब फ्लो कंट्रोल में इस तीन चीज के ऊपर, तीन चीज को देखेंगे। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसी तरह पाइथन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर, पाइथन के अंदर इन सब चीजों का जो स्टेटमेंट्स है, इनका मेरा सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इनका मेरा सीक्वेंस क्या है यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इफ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ कंडीशन से स्टार्ट करते हैं और इफ कंडीशन में सबसे पहले मैं कुछ नेम देता हूँ। मैं नेम लेता हूँ अपना, ठीक है, और नेम के अंदर मैं अरुण को पास करता हूँ। यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ कंडीशन, और इफ कंडीशन लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इफ नेम इक्वल टू अरुण, मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ माय नेम इज करेक्ट, माय नेम इज करेक्ट। और यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट देता हूँ, हाउ आर यू। ठीक है, मैं इस कोड को चलाता हूँ और यहाँ पे दो लाइन प्रिंट हुई, माय नेम इज करंट एंड हाउ आर यू। ओके, अब क्या हुआ, नेम वेरिएबल वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम दिया था, राइट, नेम वेरिएबल के अंदर मैंने अपना नाम दिया था, और मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया, इफ नेम इज इक्वल टू अरुण। ओके, और यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया हुआ है। इफ कंडीशन का सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे कॉलन लगाना मैंडेटरी है।
अगर हम ये कॉलन हटा देंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स, सिंटेक्स मेरा गलत है। ये कॉलन लगाना जो है ये मैंडेटरी है। दूसरी चीज़, ये सिर्फ इफ़ कंडीशन के लिए नहीं है, ये पूरे पाइथन में चलेगा। ये जो स्पेस है यहाँ पे मैंने जो लिखा है स्पेस, ये स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं, ओके। और ये एग्जैक्टली सेम है जो ब्रेसेस यूज होते हैं पाइथन में या फिर सॉरी सी प्लस प्लस में या फिर जावा में एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए, ठीक है। एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए जो हम लोग ब्रेसेस का यूज करते हैं, उस पाइथन के अंदर वो ब्रेसेस हम नहीं देते हैं, पाइथन के अंदर हम स्पेस देते हैं। स्पेस नहीं बोलते एक्चुअली इसको, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होगा? ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब मेरा नेम इज इक्वल टू अरुण होगा, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ, मैं यहाँ पे मैं कभी से लिखता हूँ, ठीक है। क्या ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा? देखो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ सिर्फ हाउ आर यू एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब चूंकि इस इफ कंडीशन का और इस प्रिंट स्टेटमेंट का दोनों का इंडेंटेशन लेवल सेम है, दोनों का इंडेंटेशन लेवल सेम है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे ये तो चलेगा ही, इसको तो चलना ही है। लेकिन ये जो है यहाँ पे इंडेंटेशन लगा हुआ है, इसका इंडेंटेशन और इफ के आगे जो इंडेंटेशन है वो दोनों इक्वल नहीं है, ये अंदर है, ये इफ कंडीशन के अंदर है। तो ये स्टेटमेंट तब चलेगा जब जब ये इफ कंडीशन रन करेगा, जब ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ सिर्फ तभी वो केस होगा जब ये चीज रन करेगी, ओके। इंडेंटेशन समझ में आया आपको? ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी आते जाएगी, ठीक है। हम दूसरा, ये तो काफ़ी सिंपल था कि इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो उसके अंदर का ब्लॉक रन करेगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो ये नहीं रन करेगा, ठीक है। तो ये नहीं रन किया, अभी मैंने दिखाया सिर्फ बाहर वाला ब्लॉक रन किया, ये प्रिंट स्टेटमेंट रन किया, ओके। मैं इसी स्टेटमेंट को उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, अब चूंकि मैंने नेम में वेंकटेश पास किया हुआ है, राइट, मैंने यहाँ पे ये नेम वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, इसको हम हटाते हैं, इस नेम वेरिएबल को हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेंकटेश पास करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं वेंकटेश पास करता हूँ, और एक मिनट इसको हटा देता हूँ, ऊपर से सारे विजेट्स जो थे वो हट गए हैं, राइट। मैं यहाँ पे फिर से वो कमांड लिखता हूँ, dbutils.visits.text। यहाँ पे मैं नेम वेरिएबल का नाम देता हूँ और इसके अंदर मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ जिसको हम लोग कह रहे हैं वेंकटेश, ठीक है। ये मैं क्रिएट करता हूँ, ये क्रिएट होगा, ऊपर क्रिएट हो गया। मैं इसको जो है स्टोर करता हूँ किसी वैल्यू के अंदर जिसको हम कहेंगे नेम, नेम वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर दिया, इसको चेंज कर देते क्या, ठीक है। मैं कैपिटल एन कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसान रहे, मिनट मैं एक बार विजेट्स को फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ये जो कमांड है मेरे विजेट्स को डिलीट करने का है, सारे विजेट्स उड़ जाएंगे, उड़ गए, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अभी विजेट्स नहीं है, मैंने एक फिर से मैं एक विजेट क्रिएट करता हूँ, नेम नेम से कैपिटल एन है,
ठीक है, और इसको मैं स्मॉल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, इसको हम लोग गेट कह रहे हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उस विजिट का नाम, और उसको एक दूसरे वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है। और अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। माय नेम इज करेक्ट, हाउ आर यू, इसका मतलब क्या है कि देखो, इस विजिट के थ्रू मैंने वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे पास की, मतलब ये आउटपुट तभी आया है जब मेरा ये कंडीशन मैच किया है, राइट। ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो गया, इफ नेम इज इक्वल टू वेंकटेश, ठीक है। तो इस नेम वेरिएबल के अंदर वेंकटेश इनपुट मैंने कहीं पास किया होगा, राइट। ये वेंकटेश मैंने इनपुट यहाँ से पास किया, ठीक है। ये मैंने दिखाया आपको, ये चला के देखो, प्रिंट करा के मैं दिखा देता हूँ नेम को, प्रिंट नेम, ठीक है, वेंकटेश आ रहा है, राइट। ये इनपुट मैंने यहाँ से पास किया था, ठीक है। ठीक है, तो ये विजिट्स के थ्रू कैसे इनपुट पास करके कोडिंग के अंदर यूज करना है, ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। अब जो है हम दूसरा एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिसको हम कह रहे हैं इफ एल्स, मैं इसी लाइन को यहाँ पे डालता हूँ, और ठीक है, माय नेम इज नॉट करेक्ट, ओके। अगर नेम इज इक्वल टू वेंकटेश है तो प्रिंट करो माय नेम इज करेक्ट, या फिर माय नेम इज नॉट करेंट, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो, ठीक है। नेम वेंकटेश था, ऊपर से मैंने वेंकटेश पास किया था, इसलिए इसने बोला माय नेम इज करेक्ट, या फिर माय नेम इज, इसलिए इसने प्रिंट किया माय नेम इज करेक्ट, राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ और पास कर दूँ, यहाँ पे मैं दिव्या पास कर देता हूँ, और अब वैल्यू जो मैंने यहाँ पे अपडेट किया, अब ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू अपने आप वहाँ पे पहुँच जाएगी। वैल्यू अगर मैंने अपडेट की तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैल्यू अपने आप पहुँच जाएगी, ठीक है। ये जो है, अपने आप जो है इस वैल्यू को रीड कर रहा है, ओके। इसने यहाँ पे प्रिंट किया माय नेम इज नॉट करेक्ट, राइट। अभी मैं एक बार प्रिंट करके देखूँ इसको कि इस नेम वेरिएबल के अंदर मेरा क्या वैल्यू आ चुका है। ठीक है, इस नेम वेरिएबल के अंदर ये दिव्या आ चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे पास हो जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम में पास हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने इसको चलाया, तो इसलिए अगर ये वैल्यू ऊपर से पास हो गई, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसलिए इसने ये दूसरी लाइन को प्रिंट किया है। आर यू गेटिंग दिस? हेलो हेलो, यस यस ओके ओके, मैं एक दूसरा लाइन लिखता हूँ, और लाइन में लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंट हाउ आर यू, ओके। चलाते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। माय नेम इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, और फिर से ये वाला लाइन तो प्रिंट हुआ ही, ठीक है। ये लाइन प्रिंट हुआ, हाउ आर यू प्रिंट हुआ, ये क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि इसका इस कंडीशन से कोई मतलब नहीं है, इफ इल्स कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरे इफ इल्स के लेवल पे है, इंडेंटेशन लेवल मेरे इफ इल्स के बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, Yeah, I don't like it's like a default. I mean, it is out of indentation value, यस right? यस, राइट राइट। और So एक, everything it gets printed. यस, एवरीथिंग विल गेट प्रिंटेड इफ इट इज इन द सेम इंडेंटेशन लेवल विथ इफ एंड एल्स, ओके। Yes, okay. तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, वो इल्स के साथ हमेशा एक कॉलन लगेगा, ठीक है। इफ के साथ भी कॉलन लगेगा और इल्स के साथ भी कॉलन लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीजें मैंडेटरी हैं हमारी, ठीक
ठीक है, ये इल्स कंडीशन देना मैंडेटरी नहीं है, ये इल्स कंडीशन देना मैंडेटरी नहीं है। ऊपर में मैंने कोड को सिर्फ इफ कंडीशन पे भी रख के चला के दिखाया आपको, ठीक है। ये इल्स कंडीशन देना मैंडेटरी नहीं है, ओके, ठीक है। अब जो तीसरा तीसरा टाइप है उसको हम बोल रहे हैं इफ, एलिफ और एल्स, ठीक है। ये हमारा तीसरा टाइप है। अगर हमें मल्टीपल इफ कंडीशन लगाने हुए, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू वेंकटेश है, ठीक है। यहाँ पे एक ही मैंने इफ कंडीशन लगाया, नेम इज इक्वल टू वेंकटेश। अगर मुझे मल्टीपल इफ कंडीशन लगाने हुए, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम इफ एलिफ एल्स कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको मैं यहाँ डालता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार इफ लग गया। और अगर मल्टीपल इफ कंडीशन लगाना है, अगर मुझे ये सर्च करना है कि क्या उसका नाम, क्या नाम जो है वो विनीत है, या फिर क्या नाम जो है, नाम अगर वेंकटेश है तो माई नेम इज वेंकटेश, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ, और नाम अगर विनीत आ रहा है तो माई नेम इज विनीत। अगर मुझे ये चीजें करनी है, इस तरीके से अपने कोड को लिखना है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल इफ कंडीशन लगाया, राइट, यहाँ मैंने मल्टीपल इफ कंडीशन लगाया। अगर नेम वेंकटेश है तो ये पार्ट चले, अगर नेम विनीत है तो ये पार्ट चले, और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना वेंकटेश ना विनीत है, तो मेरा ये पार्ट ऑफ कोड रन करेगा, ठीक है। इसको मैं चला के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये कोड जो है चल गया। अगर मैं यहाँ पे ये कोड चल गया, मतलब क्या है कि ये मल्टीपल मल्टीपल इफ कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। देखो फिर से चलाता हूँ, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, अभी इसको भूल जाते हैं, इतना पार्ट ऑफ कोड हम भूल जाते हैं, ठीक है, और इस पार्ट ऑफ कोड पे हम ध्यान देते हैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैंने वेंकटेश पास किया था, और यहाँ पे मल्टीपल इफ कंडीशन लगाया था, और मैंने बोला था वेंकटेश है तो माई नेम इज वेंकटेश प्रिंट हो, विनीत है तो माई नेम इज विनीत प्रिंट हो, या फिर ये प्रिंट हो जाए। तो मैंने जब वेंकटेश डाला तो यहाँ पे चला माई नेम इज वेंकटेश, यहाँ पे जब मैंने विनीत डाला, यहाँ जब मैंने विनीत डाला, विनीत पास किया, तो यहाँ प्रिंट हुआ माई नेम इज विनीत। और यहाँ पे जब मैं कुछ और नाम डाल देता हूँ, मान लो रोशन मैंने डाला, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ प्रिंट हो रहा है माई नेम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर हमें मल्टीपल इफ कंडीशन को, मल्टीपल इफ कंडीशन को अगर मुझे अपने कोड में मल्टीपल इफ कंडीशन डालना है, तो मुझे इफ इलिफ और इल्स इल्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे और भी मुझे इलिफ कंडीशन डालना है, मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या ये रोशन है, रोशन है तो प्रिंट करो माई नेम इज रोशन, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, देखो ऊपर मैंने रोशन पास किया था, तो यहाँ पे ये रोशन में ले लिया। इसका मतलब है ये जो है, ये इलिफ कंडीशन हम कितना भी लिख सकते हैं, इलिफ कंडीशन जो है हम कितना भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो दो बार इलिफ कंडीशन को मेंशन करके आपको दिखाया यहाँ पे, राइट। तो
तो ये इलिफ कंडीशन हम कितने बार भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके तो इफ इलिफ और इल्स इसका यूज कब करेंगे, जब हमें मल्टीपल इफ कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, और एक मिनट, एक कोड में देख रहा था। अभी ये कोड सही चल रहा है। इस केस में ये दूसरा वाला भी चल जा रहा है, इल्स वाला पार्ट भी चल जा रहा है। यहाँ भी चल गया। Arun, is it there anything to do with indentation? Because if you see means if you give the input as Roshan only, then that if and else condition is Yeah, coming. but indentation is same now. That's what I am confused. Indentation level is same, right? Yeah, Indentation but level I is feel, same I mean, for I see that I think like that from fifth line it is taking like if else. Because if you give the input as Venkatesh or Vinit, it is like it is giving both values, right? Like right value and again else condition, which should not be the case. Yes, yes, that's what. If I passed Venkatesh, then this is also running and this is also running. Yeah. Ideally, this part should not run. And what happens if you pass Vinith? Let's see. Again, both are running. Arun, actually, ऊपर के दो इफ को वो अलग अलग ले yes, रहा है, yes, जैसे exactly. फर्स्ट इफ को exactly. तो अलग ब्लॉक ले रहा है, सेकंड इफ को अलग ब्लॉक, और लास्ट वाले इफ एल्स को सेम ले रहा है। या आई मीन इट्स टेकिंग लाइक ए पेयर लाइक इफ एल्स पेयर। यस, तो सिर्फ ये दो ब्लॉक जो हैं, मतलब जो इल्स के पास रहेगा, इल्स के जस्ट ऊपर वाला इफ इफ को ही ये इल्स अपने साथ लेगा, ये बाकी के इफ को अपने साथ नहीं लेगा, और इसलिए ये इफ इलिफ और इल्स इल्स ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला अप्रोच आया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, एक वैल्यू और डालते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा अभी हमारा। अगर यहाँ पे हम डालते हैं दिव्या, ठीक है, लाते हैं। फिर चलाते हैं वेंकटेश, इट इज रनिंग। विनीत इज रनिंग, था रनिंग राइट, रोशन पे भी रन करेगा, दिव्या पे देखते हैं। ओके ठीक है, तो ये दिव्या प्रिंट हो रहा है, ये दूसरा पार्ट नहीं रन किया, वही जो कंक्लूजन हमने निकाला अभी। ठीक है, ये इल्स वाला पार्ट जो है हमेशा ये इसके साथ लेगा, ऊपर वाले इफ के साथ लेगा, जस्ट ऊपर वाला, जबकि इलिफ के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो डिड यू गेट द पॉइंट अबाउट इलिफ, व्हाट इलिफ इज? यस यस, ओके फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक और चीज यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सिर्फ मैं इन दो कोड ऑफ इतने पार्ट को उठा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मैं इतने पार्ट को उठा रहा हूँ और यहाँ पे डाल रहा हूँ, और इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम डालता हूँ, पीछे डालता हूँ, ओके, इसको मैं रन करता हूँ। इसको जब मैंने रन किया तो देखो यहाँ पे वेंकटेश प्रिंट हुआ। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला प्रिंट हो गया। इसको मैं चेंज भी कर दूंगा, इसको मैं विनीत भी कर दूंगा, तो भी ये रन करेगा, ये रन करेगा। ठीक है, ये रन किया, और रोशन कर दूंगा तो भी ये रन करेगा। तो जब अगर दिव्या दूंगा तो क्या होगा ये? ठीक है, तो क्या होगा?
है, तब ये कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इफ इल्स कंडीशन को, इफ इलिफ कंडीशन को बिना इल्स के भी लिखें तो ये जो है, बिना इल्स पार्ट के भी लिखे तो ये जो है कंडीशन मेरा चलेगा। इफ को हम बिना इल्स के लिख सकते थे, ये मैंने ऊपर में दिखाया था आपको। इफ इलिफ को भी हम बिना इल्स के लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरा क्या है, एक तो इफ, सिर्फ इफ लिख सकते हैं हम लोग, इफ के साथ इल्स तो लिखते ही हैं, वो हमने देखा ऊपर। इफ के साथ, इलिफ के साथ इल्स भी लिखते हैं, और इफ के साथ हम सिर्फ इलिफ भी रन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। और ये इलिफ जो है यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, इलिफ जो है यहाँ पे ये मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इफ इल्स के अंदर। ये मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे इफ इल्स के अंदर, और हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि वैल्यू को इंट में कैसे ले और कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो एक नंबर लेते हैं नम1, एक वेरिएबल लेते हैं नम1, एक वेरिएबल लेते हैं नम2, और दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, दोनों में जब हम इनपुट लेते हैं, तो मैंने क्या बोला इनपुट को कैसे लेना है। सबसे पहले हम विजिट को क्रिएट करेंगे, ये वेरिएबल यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले हम विजिट को क्रिएट करेंगे, dbutils डॉट विजिट्स डॉट, यहाँ मैं टेक्स्ट देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर 1। ओके, और इसको बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एम्प्टी रखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं एक नंबर 2 लेता हूँ इनपुट, एज इनपुट, ठीक है। और इसमें चलाता हूँ यहाँ पे, कौन अरुण, ये स्पेस दे के डबल कोट क्यों दे रहे आप? मतलब सा, ये नंबर, वाला, हाँ ये बाय डिफॉल्ट नल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो इसका नहीं, अगर मतलब है मैं नहीं कि दूं तो डबल कोट क्या फर्क पड़ता है उससे? तभी एरर देगा। ओके, मतलब हर हाँ बार जब भी मैं इनपुट के लिए जाता हूँ टेक्स्ट के साथ, राइट, तो मुझे वो रखना ही कंपलसरी यस, है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये रखना पड़ेगा आपको, इसको हटा दो। ओके, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, डिफॉल्ट वैल्यू, ये तो डिफॉल्ट उसका वैल्यू आपको पैरामीटर रखना वही है। है, मतलब इनबिल्ट पैरामीटर है वो, नहीं दो, यस, मतलब इनबिल्ट दो आर्गुमेंट पैरामीटर, पास करना ही है। यस, 2 आर्गुमेंट पास करना ही है। ठीक है, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू है कि ये जो विजिट बनेगा इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं दिया मतलब नल खाली, अगर कुछ दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा एज डिफॉल्ट वैल्यू। अभी अभी देखा था ना हमने, याद है आप, फिर से ओके, देखो। ब्लैंक आता है अगर कुछ नहीं दिया तो, हाँ हाँ अदरवाइज या हाँ हाँ याद है आपको, अंडरस्टूड। या फिर से दिखाऊँ क्रिएट करके? नहीं, इट्स ओके, फाइन, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 विजिट्स क्रिएट कर दिए, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। और इनकी वैल्यू को मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, ठीक है, इनकी वैल्यू को मैं एक बार रीड कर लेता हूँ, इनकी वैल्यू को मैं रीड करता हूँ, डिब्यूटिल्स डॉट विजिट्स डॉट गेट, और यहाँ पे ये हटा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे num1 वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे number 2 विजिट्स के अंदर जो वैल्यू पास करेंगे उसको num2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब जो है इसको, इसके अंदर कुछ वैल्यू पास करते हैं हम लोग, 7 पास करते हैं, इसके अंदर हम लोग 10 पास करते हैं, ठीक है, 7 और 10 पास करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ऑलरेडी रन किया था, और प्रिंट num1 और प्रिंट num2। अरुण, एक डाउट था, प्रिंट यस, जो है सिंगल आर्गुमेंट में पास नहीं कर सकते क्या अपन? मतलब जैसे num1 num2 एक ही आर्गुमेंट ये में प्रिंट पास कर करो। सकते हैं, पास कर सकते हैं, वो हम देखेंगे इनपुट आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराना है उस पार्ट में हम ठीक, देखेंगे। अभी मैं अलग अलग, अभी मैं वो बताया नहीं हूँ, इसलिए मैं उस तरीके से पास नहीं कर रहा। ओके।
तो ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब मैं दोनों का एक बार टाइप देखता हूँ, आपको क्या लगता है टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग पाइथन के अंदर बाय डिफॉल्ट ही हमेशा स्ट्रिंग ही लेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग ले लिया, लेकिन मुझे मुझे एक प्रोग्राम लिखना है कंपेयर करने के लिए कि नंबर वन और नंबर टू में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, राइट। ये नम वन जो मेरा स्ट्रिंग के अंदर आ गया है, नम टू जो है मेरा स्ट्रिंग के अंदर आ गया है, इसको मुझे टाइपकास्ट करना पड़ेगा, राइट। अभी मैंने देखा तो इसको बस हम इसको टाइपकास्ट कर देंगे ऐसे, नम वन, और यहाँ पे इंट के अंदर इस वैल्यू को पास कर देंगे, नम वन में ही स्टोर कर लेते हैं, नम वन के ही अंदर स्टोर कर लेते हैं, और नम टू के ही अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब दोनों का टाइप एक बार फिर से देखते हैं, टाइप क्या हुआ दोनों का। ठीक है, ठीक है, ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। इंटीजर इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, अब हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम कंपेयर कर पाएंगे, और नम वन हम लिखेंगे, क्या नम वन नम टू से बड़ा है? ठीक है, नम वन नम टू से बड़ा है, क्या ये कंडीशन राइट है? और सब मैंने क्या बोला था, कॉलन इज मैंडेटरी, इफ दिस इज राइट तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर वन इज ग्रेटर। ठीक है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर टू इज ग्रेटर। ठीक है, वेरिएबल नेम गलत हो गया था। ठीक है, नंबर टू इज ग्रेटर, ये दे रहा है, ये नंबर टू है मेरा, ये 10 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट्स को नोटबुक के अंदर पास करके इस तरीके से हम कोड को यूज करते हैं। कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया, फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन हम लोग डिफाइन किया, उसके अंदर आर्गुमेंट पास करना है, पैरामीटर पास करना है, और उसको यूजर से इनपुट लेना है, तो इनपुट हम यहाँ पास करते हैं, और फिर हम इस पूरे नोटबुक को रन करते हैं, तो उस जो हम कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं उसके अंदर वो आर्गुमेंट पास होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक लॉजिक था कि हम नोटबुक में आर्गुमेंट कैसे पास करें और उसको यूज कैसे करें अपने कोड के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला टॉपिक है वो है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है, ये इस पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है। हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे, ये ब्रेक, कंटिन्यू और पास क्या है। ठीक है, या फिर ब्रेक कंटिन्यू पास से पहले हम लोग फॉर लूप पढ़ लेते हैं, फॉर लूप या फिर वाइल लूप पढ़ लेते हैं, जो कि उसके बाद हम वो वाला पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि इटरेटिव स्टेटमेंट है फॉर लूप या फिर वाइल लूप। अरुण, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ जैसे अब ये जो बोलिए। इनपुट वाला है, अगर ये कलेक्शंस रहता है फॉर एग्जांपल, हाँ, हम तो फिर इसको देखेंगे कैसे लेंगे? देखेंगे हम उसके बारे ओके, में। आप आगे बताएंगे, ठीक यस है, यस, ओके, जब नो हम प्रॉब्लम। डेटा ब्रिक्स में जाएंगे ना, उस समय हम ये सब चीजें बताना चालू करेंगे, या फिर अभी जो लिस्ट स्टार्ट करेंगे ना, उस समय हम बताएंगे एक कलेक्शन ऑफ इनपुट्स हम कैसे लेंगे, मतलब ओके, ड्रॉप इसमें डेटा ब्रिक्स में, हाँ ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे क्रिएट करें, मल्टीपल इनपुट्स को कैसे चूज करें यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तब हम फाइन, उसको थैंक्स। देखेंगे। यस, उसके तरीके हैं, जब आप एज्योर के डेटा ब्रिक्स के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ना, तो वहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, लिस्ट को कैसे लेना है, एक मल्टीपल चीज़ों को कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके वो सब ओके, हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक ठीक है, है, चलेगा, चल, नो इश्यूज, ठीक या है, थैंक्स। अब सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, हम फॉर लूप के बारे में बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, हाँ अच्छा है आप इस पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज होगा, मतलब ये डेटा ब्रिक्स नोटबुक के ऊपर, और इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन रहता है एक्चुअली।
ठीक है। और ईडीएफ के थ्रू जब हम पैरामीटर पास करते हैं डेटा ब्रिक्स नोटबुक में, ईडीएफ अगर किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो, उसके थ्रू हम पैरामीटर्स को पास करते हैं। जब वहां से जो हम ईडीएफ से जो पैरामीटर पास करते हैं इस नोटबुक को चलाने के लिए, तो ये इन्हीं विजेट्स का यूज करके ईडीएफ में हम वैल्यू देते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे आके सेट होती है यहाँ पे, और यहाँ से पूरा नोटबुक चलता है। ठीक है, तो हम वो सब चीजें देखेंगे आगे। ठीक है, और अभी जो है हम फॉर लूप देख रहे हैं एक बार। ठीक है, फॉर लूप में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो मैंने कोई स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग में मैं ले लेता हूँ सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर मैंने लिया और मुझे जो है मुझे इस स्ट्रिंग का हर एक कीवर्ड जो है वो प्रिंट करना है। ओके, तो हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन एस। ठीक है, प्रिंट आई। ओके, ये सब प्रिंट हुआ, एक एक चीजें प्रिंट हुई, राइट। एक एक इस स्ट्रिंग का एक एक वर्ड जो है वो प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, राइट। एक एक लेटर प्रिंट हुआ। अब फॉर लूप, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि फॉर लूप जो है एक कलेक्शन के ऊपर चलता है। फॉर लूप मैंने लगाया, ये कहाँ लगाया, एक कलेक्शन के ऊपर लगाया, राइट। अब मैं एक एक स्ट्रिंग लेता हूँ, और एक स्ट्रिंग लेता हूँ, यही स्ट्रिंग ले लेता हूँ, यही स्ट्रिंग लेता हूँ, एस इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर। एस इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर मैं लेता हूँ, और सचिन तेंदुलकर लेने के बाद मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सारे लेटर्स और उन लेटर्स के पोजीशन क्या है। जैसे एस का पोजीशन 0 है, राइट, ए का पोजीशन 1 है, सी का पोजीशन 2 है, एच का पोजीशन 3 है, मैं इन पोजीशंस को भी प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सेम सेम चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, फॉर आई इन एस। ओके, फॉर आई इन एस, और अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, द करेक्टर एट पोजिशन, आई इज एस। ओके, ठीक मैं एक इंडेक्स का पोजीशन देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और चूंकि मैंने यहाँ पे आई दे दिया है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा जो बता रहा है कि जो मैंने मैंने स्ट्रिंग को प्रिंट किया, राइट, इस स्ट्रिंग को एक एक करके, सचिन को ऐसे ब्रेक करके और तेंदुलकर को ऐसे ब्रेक करके प्रिंट किया। अब मुझे जो है इसका पोजीशन भी जानना है कि इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है। जैसे मैंने बताया था, इसका इंडेक्स पोजीशन 0 है, ए का इंडेक्स पोजीशन 1 है, सी का इंडेक्स पोजीशन 2 है। ठीक है, तो देखो 0, 1, 2 ये सब चीज़ें प्रिंट हुई। ओके, ये सब चीज़ें प्रिंट हुई, तो ये कैसे प्रिंट हो रहा है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार आप समझो। ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार समझो, और इसको अभी मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। सपोज करो यहाँ पे एक्स जो है वो नहीं होता, ये एक्स यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ये एक्स यहाँ पे नहीं होता, तब ये प्रिंट क्या करता। ठीक है, अब देखो ये इसने इंडेक्स पोजीशन को नहीं प्रिंट किया।
ठीक है, इसने बस सचिन को एस ए सी एच आई एन इनको पूरा ब्रेक कर दिया इंडिविजुअली। ठीक है, अब मुझे अगर पोजीशन को प्रिंट करना था, पोजीशन को प्रिंट करना था मुझे, तो ये फॉर आई इन एस क्या कर रहा है? ये आई जो वेरिएबल है, ये सचिन तेंदुलकर जो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर एक एक करके इटरेट कर रहा है, राइट? सबसे पहले आई जो है एस के पास जा रहा है, फॉर आई इन एस, फॉर आई इन एस, तो आई जो है जीरो से स्टार्ट होगा, राइट? आई हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, आई जे जो भी है, अगर इटरेशन होगा तो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये एस के पास जा रहा है और इसने एस को प्रिंट किया, एक लूप चला, फिर सेकेंड लूप में आई की वैल्यू वन हुई, वन पोजिशन में क्या है, ए है, इसने ए को प्रिंट किया। थर्ड लूप चला, थर्ड लूप में इस आई की वैल्यू टू हुई, और टू में क्या है, टू में सी है, इसलिए इसने यहाँ पे इस आई के बदले सी को प्रिंट किया, राइट? तो ऐसे से करके ये लूप चल रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये कब तक चल रहा है, जब तक ये मेरा कलेक्शन जो है, ये मेरा स्ट्रिंग जो है, ये एंड ना कर जाए, ये आर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ये आर तक ना पहुंचे, देखो ये आर तक पहुंचा, राइट? तो ये लूप तब तक चलेगा। अब मुझे पोजीशन भी जानना था, राइट? पोजीशन भी जानना था मुझे, तो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल असाइन किया, उस वेरिएबल में मैंने जीरो लिख दिया। ठीक है, वो वेरिएबल मैंने असाइन किया, क्यों वेरिएबल मैंने असाइन किया और वेरिएबल की वैल्यू मैंने जीरो ही क्यों रखी, क्योंकि इसका इंडेक्स पोजीशन जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और मैं एक्स एक्स को इसलिए बना रहा हूँ, एक्स वेरिएबल को इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं इस एक्स वेरिएबल के अंदर अपने इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर सकूँ। ठीक है, ताकि मैं इस एक्स वेरिएबल के अंदर एक अपने इंडेक्स पोजीशन को स्टोर कर सकूँ, और ये जो फर्स्ट फर्स्ट मेरा इंडेक्स पोजीशन है, ये है जीरो, राइट? ये जीरो है। जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो डिफाइंड है, एक्स जीरो डिफाइंड है। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैंने द कैरेक्टर एट इंडेक्स पोजीशन, तो मैंने जो x इज इक्वल टू जीरो डिफाइन किया, ठीक है, तो ये लूप क्या हुआ, ये लूप सबसे पहले पहली बार चला और मैंने यहाँ प्रिंट किया था द कैरेक्टर एट पोजीशन x इज i, राइट? एट पोजीशन x इज i, तो i सबसे पहले क्या पिक कर रहा है, i फर्स्ट बार में, फर्स्ट इटरेशन में s को पिक कर रहा है, और s का पोजीशन जो है मेरा जीरो है, राइट? तो ये x का पोजीशन यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ये जो जीरो प्रिंट कर रहा है, ये जीरो कहाँ से पिक कर रहा है, ये मैंने x को इनिशियली जीरो डिफाइन कर दिया है, राइट? x को मैंने जीरो डिफाइन कर दिया है, और अगले और जैसे ही फर्स्ट लूप चल रहा है, फर्स्ट लूप चलने के बाद ये x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जा रही है, राइट? 1 होने के बाद ये लूप दोबारा चल रहा है, ये जो लूप है मेरा फोर लूप, ये दोबारा चल रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो एक बार डिफाइन किया, अब वहां पे मेरा फिर से वापस लूप नहीं जाएगा, ये लूप तब तक चलेगा जब तक मैं इस पूरे स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट ना कर जाऊं 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू जीरो था, और जीरो होने के बाद ये मेरा लूप चला, और ये मेरा प्रिंट किया द कैरेक्टर एट पोजीशन x की वैल्यू जीरो थी, जीरो इज i, i क्या है मेरा, i ए फॉर i इन s, ये फॉर i इन s, ये मेरा स्ट्रिंग है, राइट? और मैंने क्या बोला, फॉर लूप हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, फॉर लूप हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, s। ठीक है, और जैसे ही ये लूप एक बार चलेगा, तो सबसे पहले जब ये फर्स्ट टाइम ये लूप चला, तो x की वैल्यू जीरो थी, और जैसे ही ये नेक्स्ट लाइन में गया, ये नेक्स्ट लाइन में जैसे ही गया, उस x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, कैसे 1 हुई, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या लिखा है, x प्लस 1, तो अभी x क्या है, प्रेजेंट लूप में 0 है, और 0 प्लस 1 हो गया, ये 1 हो गया, राइट? मतलब इस x में जो अब वैल्यू आ चुका है, वो वैल्यू आ चुका है 1। ठीक है, फिर ये लूप चलेगा, और फॉर आई इन एस, ये वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसके कारण ये लूप दोबारा चलेगा,
और ये जो है आई जो है ये मेरे सेकंड कैरेक्टर पे जाएगा, ये जो ए है ये यहाँ पे पहुंचेगा। जैसे ये यहाँ पे पहुंचा ये आई, इसने फिर से प्रिंट किया द कैरेक्टर एट पोजिशन एक्स इज आई। एक्स क्या हो चुका है अब, पहले लूप चलने के बाद एक्स की वैल्यू हो चुकी है वन, राइट। तो द कैरेक्टर एट पोजिशन वन इज आई, मतलब दूसरा एलिमेंट मेरा ए, ठीक है। उसी तरीके से ये जो मेरा लूप है, जब सेकेंड लूप चला है तब जो है इस एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, और एक्स की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, इसके पहले वाले इटरेशन में क्या था, वन हो चुका था, और ये वन प्लस वन अब हो गया और ये हो गया टू। ये वन प्लस वन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एक्स प्लस वन, एक्स की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसमें वन ऐड होगा और वो एक, एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी हर लूप में, ठीक है। तो उस तरीके से ये एक्स की वैल्यू हर बार एक एक बढ़ रही है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक एक बार इंक्रीमेंट होकर ये इंडेक्स का पोजीशन को प्रिंट कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 तक पूरा प्रिंट किया। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो अरुण। ओके ठीक है, आज इतना ही पे ड्रॉप करते हैं, फिर से हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से लूप्स देखेंगे और भी थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नो ना कुछ। ओके देन गुड नाइट टू एवरीवन, हैव डिनर एंड एंजॉय योर वीकेंड। कल मिलते हैं फिर 9 बजे। ओके बाय, टेक केयर। Yeah, okay, good night.